वी आर बीइंग लूटेड, वी आर बीइंग रॉब्ड। आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। What is his status? चर्चा सबकी चर्चा, मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। आम आदमी पार्टी इज मोस्ट करप्ट पार्टी, वी हैड लॉट ऑफ होप फ्रॉम देम। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा और एक ISI अफसर जिन्होंने जनता की सेवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दी, ईमानदारी और सत्याग्रह के दम पर अपनी आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था। साल 2013 में इतिहास में पहली बार 15 साल से दिल्ली की सीटिंग CM शीला दीक्षित को हराया और अपनी सरकार को स्थापित किया था, और आज खुद 15 सालों से दिल्ली में लगातार इनकी ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल has won from the New Delhi constituency। फिर 21 मार्च 2024 को ED ने शराब घोटाले के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया और आरोप यह लगाया गया है कि उन्होंने कम से कम 100 करोड़ का घोटाला किया। कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्त करना एक BJP की चाल है। जहां तानाशाह मोदी सबसे पहले अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर को मैदान से हटाना चाहता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद जी प्रचार ना करें, उनको प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। BJP के बड़े नेता सत्यपाल मलिक जी ने एक साल पहले इस बात की घोषणा कर दी कि चुनाव आने से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बचाने के लिए फिर इसके अंदर US, जर्मनी और UN जैसे बड़े बड़े देश कूद चुके थे। ये खुद बड़े बड़े देश इस बात को बोल रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर नजर रख रहे हैं। Continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. But एक में इन सब के विपरीत केजरीवाल के ग्रैंड फादर, उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाने वाले गुरु अन्ना हजारे, उनके गिरफ्तार होने पर ये बात बोल रहे हैं कि जैसी करनी आखिर वैसी भरनी, उन्हें केजरीवाल के अरेस्ट होने का आखिर कोई भी दुख नहीं है। जैसे करने वैसे भरने। केजरीवाल को अटक होते हुए आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है? ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास, उन्होंने भी यही बात को सेम ट्वीट किया है और उनके पार्टी के लोग ही यही बात बता रहे हैं, आखिर केजरीवाल के विचार पूरे बदल चुके हैं। केजरीवाल ने गलत ये किया कि जब वो जीत गया इलेक्शन 67 सीट से, तो उसके विचार बदले मेरे ख्याल। और दिल्ली की जनता का भी यही हाल दिख रहा है। करप्ट लोग उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक साजिश है, सिलेक्टिव तरीके से सिलेक्टिव लोगों को ही करना, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज केजरीवाल की पार्टी में 12 बड़े नेता जिसमें डिप्टी CM से लेकर ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट को जेल के अंदर बंद है। आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें, ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करते हैं। काम करने के लिए सब तैयार हो जाओ। 1968 में हरियाणा के भवानी में 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन केजरीवाल का जन्म हुआ था, इसीलिए उनके माता पिता उन्हें कृष्ण कहकर बुलाते थे। 1995 में उन्होंने दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम UPSC को पास किया था और वो एक रिवेन्यू सर्विस अफसर भी बन चुके थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह लग चुका है और उसे जल्दी से जल्दी रोकना भी चाहिए, जो हमारे देश को अंदर से अंदर खोखला करता जा रहा है। इसीलिए केजरीवाल ने यह बात को ठान लिया कि वो करप्शन के लिए आखिर लड़ाई लड़कर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने 4 साल बाद साल 1999 में अपना NGO को इस्टेब्लिश किया था और इसके 6 साल बाद 2006 में उन्होंने अपनी IAS की नौकरी भी छोड़ दी थी। एक फुल क्लीन और समाज सेवक बन चुके थे। फिर धीरे धीरे करके केजरीवाल ने इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर अपना हाथ पसारना शुरू कर दिया था। फिर आगे क्या क्या हुआ ये सब बातें आपको अच्छे से पता है। फिर आगे बढ़कर केजरीवाल जी ने क्या क्या काम किया और क्या क्या डिसएडवांटेज मिले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलें, और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से अपना व्यवहार बनाए रखें। जय हिंद।